अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है, साथ साथ धुंधला दिखाई देता है और आपको थकान भी महसूस होती है, तो ये कुछ संकेत हो सकते हैं हाई ब्लड शुगर लेवल यानी डायबिटीज के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ यशस्वी किरियार और आज की वीडियो में मैं और मेथ सुपरविजन आपके लिए लेकर आए हैं डायबिटीज के कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है या नहीं। और अगर ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आप उसको पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपको डायबिटीज की कंडीशन फेस ना करनी पड़े। साथ साथ हम डायबिटीज के कुछ ऑब्वियस साइंस के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो अपने आप को मॉनिटर करवाएं और अपना ब्लड शुगर लेवल चेक जरूर करवाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्ट की। द हिंदू के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 77 मिलियन लोगों को डायबिटीज है। इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में एक में से छह लोग जिनके अंदर डायबिटीज है वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रैंक सेकेंड पोजिशन पे आता है, यानी पूरे वर्ल्ड में सेकेंड हाइस्ट पॉपुलेशन डायबिटिक्स की हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स, लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आखिर डायबिटीज है क्या। हम इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक सिंपल और शॉर्ट तरीके से बता देती हूँ। डायबिटीज दो टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज अक्सर जेनेटिक्स की वजह से होती है और आपको पहले ही कम उम्र में पता चल जाता है, यंग एज में 15-16 की एज में, कि आपको डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, जो लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से होती है। इसके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो बिना टाइम गवाए अब हम जान लेते हैं कि क्या है वो साइंस, जिससे आप पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है और आप डायबिटीज होने से पहले उस कंडीशन को रोक सकते हैं। और हम कुछ ऑब्वियस सिम्टम्स भी देखेंगे कि अगर वो सिम्टम्स आपको देखते हैं तो डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है, तो डॉक्टर को चेक जरूर करवाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन जिससे ये पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर हाई ब्लड शुगर लेवल है, वो है एक्सेसिव यूरिनेशन। अगर आप बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, बार बार बाथरूम यूज करना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ चुका है। ब्लरी विजन। हाई ब्लड शुगर लेवल का दूसरा साइन है ब्लरी विजन, यानी धुंधला दिखाई देना। अगर आपको भी धुंधला दिखाई दे रहा है तो उसका कारण ये हो सकता है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफी बढ़ चुका है, और अगर आपने इसे कंट्रोल नहीं किया तो वो प्रॉपर डायबिटीज कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा तब होता है जब आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके जो आईज का लेंस है वो स्वेल होने लगता है, यानी सूजने लगता है, जिसकी वजह से आपको धुंधला दिखाई देता है। हालांकि धुंधलापन यानी ब्लरी विजन और भी कई कारणों की वजह से होती है, लेकिन उनमें से एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका हो। ध्यान लगाने में परेशानी होना। अगर आपको भी काम करते वक्त ध्यान लगाने में परेशानी होती है, यानी आप अपने काम पर सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उसका एक कारण हो सकता है हाई ब्लड शुगर लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी सही से इंसुलिन नहीं बनाती, तो आपका ग्लूकोज सेल्स की जगह पे मेन ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर पाती, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती है सही से, और इसलिए आपको थका हुआ महसूस होता है और आपका काम में मन नहीं लगता, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाता है। ड्राई माउथ यानी मुंह में सूखा फील होना। अगर आपको लगता है कि आपका मुंह बार बार बहुत जल्दी सूख जाता है, तो उसका एक कारण हो सकता है हाई ब्लड शुगर लेवल। होता क्या है, आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मुंह ज्यादा सूखा महसूस होता है। घाव धीमे भरना। अगर आपको चोट लग जाती है और आप देखते हैं कि जो आपका घाव है यानी जो आपकी चोट है उसे ठीक होने में यूजुअली यानी नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है। जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी सही से हील नहीं हो पाती है, और इसलिए आपकी चोट को ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अगर आपको ये साइन दिख रहा है तो अपने आप को जरूर चेक करवाएं, क्योंकि ये साइन पक्का हो सकता है हैविंग हाई ब्लड शुगर लेवल, यानी ज्यादा ब्लड शुगर लेवल होने का, और आपको डायबिटीज होने का चांसेस भी काफी ज्यादा है। पेट संबंधित परेशानी। जब आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकती है, यानी पेट संबंधित परेशानी, जिसमें आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, जैसे ब्लोटिंग, उल्टी आना, जी मिचलाना, ये सारे साइंस हो सकते हैं कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। और अगर आपको ऐसा कोई परेशानी काफी टाइम से हो रही है तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं।
ज्यादा थकान। हाई ब्लड शुगर लेवल का एक और साइन है ज्यादा थकान होना। हालांकि ज्यादा थकान काफी और भी कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि जब आपका थायराइड लेवल कम होता है या आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, इन सब कारणों की वजह से भी आपको थकान होती है। लेकिन इसका एक और कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा थकान होती है तो अपने आपको चेक जरूर करवाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ज्यादा प्यास लगना। अगर आपको भी बहुत ज्यादा प्यास लगती है तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर शुगर यानी ग्लूकोज काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है कि उसको ब्लड से निकालने के लिए। इसलिए आप ज्यादा वॉशरूम जाते हैं, ज्यादा टॉयलेट जाते हैं और ज्यादा आपको प्यास भी लगती है। तो अपने आपको चेक जरूर करवाएं। सूखी त्वचा। जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता है, इसलिए आपकी स्किन ज्यादा ड्राई होने लगती है और आपको ज्यादा खुजली होने लगती है। खासकर ये आपके पैरों के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर आपको ये साइन दिख रहा है तो उसका एक पॉसिबल कॉज हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। ज्यादा भूख लगना भी एक साइन है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। होता क्या है कि आपकी बॉडी एक हार्मोन लैक करने लगती है जिसका नाम है इनक्रेटिन, जो आपका जो शुगर फ्लो है लिवर से वो कम कर देता है खाना खाने के बाद। इसकी वजह से आपको ज्यादा भूख लगती है और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक और साइन जिससे पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है वो है पेट के नीचे के हिस्से में फैट ज्यादा होना। यानी आपकी बॉडी के अंदर पेट के नीचे का जो हिस्सा है यानी आपके पैर, अगर उसमें ज्यादा फैट जमा हो गया है तो इसका एक कारण हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है। क्योंकि जो खाना आप खाते हैं उससे एनर्जी आपकी बॉडी को सही से नहीं मिल पाती, आपकी सेल्स को सही से नहीं मिल पाती है, इसलिए आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। अचानक बॉडी पार्ट का सुन हो जाना। अगर आपकी बॉडी का कोई भी हिस्सा अचानक से सुन हो जाए बिना किसी वजह के, और आप देख रहे हैं अक्सर ऐसा होता रहता है, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपके अंदर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है और आपको अपने डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है तो एक और प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, वो होती है नर्व प्रॉब्लम। आपकी नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है जो कैरी करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड आपके हार्ट तक। तो अगर आपको कोई भी साइन दिखता है ब्लड शुगर लेवल का तो अपने डॉक्टर से जरूर चेक करवाएं। एक और साइन जो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है वो है डिसकलरेशन, यानी स्किन के अंदर कलर का चेंज होना। अगर आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में स्किन के ऊपर कोई कलर चेंज होता है, जैसे कि आपको अचानक नील पड़ जाए बिना किसी कारण के, तो उसका एक कारण हो सकता है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ गया है और आपको डॉक्टर को चेक कराना जरूरी है, जिससे ये कंडीशन डायबिटीज में ना बदल जाए। अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो उसको कंट्रोल करना भी आपको जरूरी है। तो दोस्तों ये थे कुछ साइंस जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल ज्यादा तो नहीं है। इसके अलावा इन साइंस में से कुछ साइंस ऐसे हैं कि अगर आपको ये साइंस दिखते हैं तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस काफी ज्यादा है, और ये डायबिटीज के सिम्टम्स भी है, जैसे कि ज्यादा प्यास लगना और ज्यादा वॉशरूम जाना यानी ज्यादा टॉयलेट जाना। ये दो साइंस ऐसे हैं जो श्योर सिम्टम्स हैं कि आपको डायबिटीज है। इसके अलावा अगर आपकी चोट ठीक होने में काफी टाइम लगता है तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है डायबिटीज का। तो अगर आपको ये तीन साइंस साथ में दिख रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में शेयर की गई जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। साथ साथ इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे से आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिखिए, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं हूँ यशस्वी और आशा करती हूँ आपका दिन अच्छा हो।